दोस्तों, मैं हूँ जीवराज देवासी। स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में आपको। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे औसत। औसत, जिसे इंग्लिश में एवरेज कहते हैं, उसके बारे में हम बेसिक ज्ञान के आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे टिपिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सामने हमने लिखा है औसत, जो इसका एक मेन फॉर्मूला है। दोस्तों, यही फॉर्मूला है जो हमें काम आता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या लिखा हुआ है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही है मेन हमारा। ये इसमें होता राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसी को राशियों की संख्या ज्ञात करना, जो कि ये चीज़ थी, राशियों की संख्या। इसको ज्ञात करने के लिए क्या, इस राशियों की संख्या को तो यहाँ ऊपर भेजा और इन औसत को यहाँ नीचे भेज दिया, यही हुआ। देखो दोस्तों, इस फॉर्मूले राशियों की संख्या बराबर क्या हुआ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तीसरा है राशियों का योग, यानी कि ये दोस्तों ये वाला, इसके लिए क्या क्या इन्होंने, इसको यहाँ पे ऊपर भेला सिंपली, तो राशियों का योग बढ़ जाए क्या क्या, औसत इंटू राशियों की संख्या, औसत इंटू राशियों की संख्या। मतलब कि दोस्तों, कहने का ये आशय है कि सिर्फ आपको ये एक फॉर्मूला याद हो, ओनली फॉर ये एक फॉर्मूला, तो आप इन तीनों को याद कर सकते हो। तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना, बाकी को आप बराबर की इस साइड और इस साइड ट्रांसफ़र करने से निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी का एक क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है क्या है, 9 आमों का वज़न, 9 आम है, इनका वज़न दे रखा है 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45 और 48 ग्राम हो, तो उनका औसत वज़न क्या हो, हमें क्या निकालना है दोस्तों, औसत वज़न। हमारा फॉर्मूला वही है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशि की संख्या। तो राशियों का योग, जितनी अपनी संख्या है वो लिख लो, 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45 और 48, ये हमने लिख ली। और संख्या कितनी है, 9 है, इनको गिन लो, या फिर इन्होंने खुद ने ये कह दिया कितने है, 9 आम है, तो हमारे कितने हो गए, 9। तो हमने इनका टोटल किया तो कितना हुआ दोस्तों, 531, और नीचे डिवाइड में कितना था, 9, तो 539 डिवाइड 9 किया तो कितना आया, 59। यानी दोस्तों, हमारा एवरेज कितना आ गया, ये 59, ठीक है दोस्तों। तो 59 ये सिंपली हमने औसत निकाल दिया। मतलब किया क्या दोस्तों, हमने इसमें पहले तो क्या किया, इन सबका योग कर दिया और इसी में हमने इन संख्याओं का भाग दे दिया, इतना सिंपली था। अब बढ़ते हैं आगे सवाल। दूसरा सवाल है हमारे पास दोस्तों, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलोग्राम है, कितना है दोस्तों, 18 किलोग्राम। 15 छात्रों का औसत वजन कितना है, 18 किलोग्राम है, तथा 10 छात्रों का औसत वजन कितना है, 12 किलोग्राम, कितना है दोस्तों, 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम है। तो बताओ कि कक्षा के किसी भी छात्रों का औसत वजन क्या है, एक तो दिया हमें 15 छात्रों का तो 18 किलोग्राम, एक दिया 10 छात्रों का 12 किलोग्राम, और हमें पूछा क्या, बताओ कि सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन, हमें क्या निकालना है, सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 15 छात्राओं का औसत वजन कितना दे रहेगा, 18 किलोग्राम, एज इट इज लिख लिया आपने, और 15 छात्राओं का अगर कुल वजन निकालेंगे तो औसत को कुल से गुणा करेंगे तो हमारा टोटल किलोग्राम आ गया। मतलब 15 छात्राओं का कुल वजन के लिए 15 को इन 18 से गुणा किया तो 270 किलोग्राम, ये किसका आ गया, 15 छात्राओं का कुल किलोग्राम। नेक्स्ट इसी टाइप हम निकालेंगे 10 छात्राओं का औसत किलोग्राम, ये आ गया 10 छात्राओं का औसत वजन, 12 किलोग्राम है, तो 10 छात्राओं का कुल वजन कितना हो गया, 10 इंटू 12 यानी 120, तो कुल विद्यार्थी कितने हुए, एक तो 15 थे एक 10 थे, तो 15 और 10 को प्लस किया तो 25, मतलब 25 कुल विद्यार्थी, और कुल वजन कितना हो गया, एक तो आया था ये हमारे पास 270 और एक आया था 120, यानी 120 और 270 कितने हुए, 390, मतलब टोटल वजन हमारे पास आ गया 390 और टोटल संख्या विद्यार्थियों की है जो 25। अब हमें औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वजन कितना था 390, इसमें भाग देंगे टोटल संख्या ये वाली कितनी होगी 25, तो हमारा कितना हो गया, इनका डिवाइडेशन किया तो 15.6 ये हमारा आ गया औसत। दूसरी दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक में देखना चाहो तो
इसमें देखो क्या किया इन्होंने, 15 और 18 का गुणा किया, 15 संख्या और 18 किलोग्राम और 10 संख्या और 12 किलोग्राम दोनों का गुणा किया, और 15 और 10 विद्यार्थी थे, एक 15 का ग्रुप था एक 10 का था, इन दोनों को जोड़ दिया तो वही हो जाता है 270 प्लस 120, उनको डिवाइड किया 390 को 25 से डिवाइड किया 15.6, वही दोस्तों आ गया। ये सिंपली एक शॉर्ट ट्रिक थी, इसको भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ। 8 टीवी व 7 रेडियो का मूल्य 27,390 है, कितना है 27,390। 8 तो टीवी है और 7 रेडियो है, दोनों का मिला के यदि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपये हो तो बताओ एक टीवी का मूल्य क्या होगा। एक टीवी का औसत मूल्य है वही मूल्य, तो हमें दोस्तों सिंपली क्या करना है, पहले तो एक रेडियो का औसत मूल्य कितना है 250, एक रेडियो का औसत मूल्य, औसत मूल्य पूछा तो कितना हो गया 250। उसी प्रकार 7 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का अगर औसत एवरेज 250 है तो 7 का कितना हो जाएंगे 250 × 7 करेंगे, 250 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 1750, कितना हो जाएगा दोस्तों 1750। उसी प्रकार केवल 8 टीवी का मूल्य निकालना हो तो हमें पता है कि 7, हमें पता है क्या कि 7 ये रेडियो थे, उन 7 रेडियो का मूल्य कितना आया था 1750, और हमें ये क्वेश्चन में दिया गया था 8 टीवी और 7 रेडियो का मूल्य कितना था 27,350। तो हमें सिंपली इसमें अगर 27,350 से 7 रेडियो का मूल्य लेस करेंगे तो हमारा 8 टीवी का मूल्य आएगा, तो वही किया केवल 8 टीवी का मूल्य निकालने के लिए 27,350 में से इस 7 रेडियो का मूल्य था कितना 1750, वही 1750 इन्होंने माइनस किया है तो कितना हुआ ये इनके 27,350 में 1750 माइनस किया तो 25,600 रुपये आया, कितना आया दोस्तों 25,600। तो एक ये तो 8 टीवी का औसत मूल्य है, 8 टीवी का कुल मूल्य है, तो हमें एक टीवी का औसत मूल्य निकालना है, हमें कितने का निकालना है एक का, तो 8 को 25,600 में 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3200 रुपये। ये दोस्तों क्या आया एक टीवी का औसत मूल्य, क्या आया दोस्तों एक टीवी का औसत मूल्य। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है, कितना है दोस्तों 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम, यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर दे लिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ अध्यापक का भार कितना है, मतलब 15 तो छात्र है एक अध्यापक है, तो 15 छात्रों का तो औसत वजन 28 दिया और एक अध्यापक और सम्मिलित किए तो औसत भार 2 किलोग्राम वृद्धि होती है, तो अध्यापक का भार कितना होगा। तो सिंपली 15 छात्रों का औसत वजन है हमारे पास 28, तो 15 छात्रों कुल वजन के लिए क्या करेंगे 15 को 28 से गुणा करा देंगे, तो 28 × 15 किया तो कितना हो गया 200 420, कितना हुआ दोस्तों 420। चलिए आगे बढ़ते, अब इन्होंने कहा क्या अध्यापक के भार को भी सम्मिलित करने, तो अध्यापक के भार को सम्मिलित करने पर क्या हो जाएंगे व्यक्ति कितने हो जाएंगे दोस्तों 16, कितने हो जाएंगे 16 व्यक्ति, तो औसत भार कितना, औसत वजन कितना हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा, पहले कितना था 28 था इसमें दोस्तों दे रखा था ये 28 था और अभी औसत भार 2 किलो में बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 2830 सिंपली, तो वही हुआ औसत कितना हो गया 28 + 2 कितना हो गया 30 किलोग्राम, तो कुल वजन कितना हो गया 30 × 16, क्योंकि एक 15 तो विद्यार्थी थे 16 अध्यापक था, 30 × 16 कितना होता है 480, कुल वजन होता है 480 होता है, तो अध्यापक का वजन निकालना हमें, तो 480 तो टोटल का है और ये 15 विद्यार्थियों का है, तो 15 विद्यार्थियों का लेस कर देंगे अगर अध्यापक समेत उनका जो टोटल है उसमें से, तो 60 किलोग्राम आता है, यही है 60 किलोग्राम दोस्तों क्या है अध्यापक का वजन। और दोस्तों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है ये दी है, जैसे कि नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना हो तो पहले औसत होता है उसमें कुल व्यक्ति कितने हो गए, 15 वो एक नया उठ गया 16 होते वैसे, तो वो 16 × औसत वृद्धि, वृद्धि कितनी हुई 28 थे 28 से 30 हुए, मतलब कितने वृद्धि 2, उस इसमें उन्होंने दे रखा है कि 2 की वृद्धि होती है, तो वही है 2 की वृद्धि, ये 2 की वृद्धि हो जाती है औसत वृद्धि, और कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे अभी वो, और पहले औसत कितना था, तो वही पहले हमारे औसत 28 का था, बढ़ गया है तो प्लस करो, यहाँ प्लस माइनस दिया था इसका मतलब ये घटता है तो माइनस करो बढ़ता है तो प्लस करो, तो यहाँ हमें बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस करेंगे
और कितना व्यक्ति हो गए, पहले 15 से एक अध्यापक मिल गया, 16 हो गए, वृद्धि कितनी हो रही है, तो ये 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, तो 28, 16 इंटू 2 किया था 32। ये तो आपको दोस्तों पता ही होगा पहले क्या होगा, इसमें गुणा होगा, ये बोर्ड मास का नियम होता है, इसमें पहले भाग कोष्टक का होता है, उसके बाद भाग गुणा, बाद में प्लस सब्ट्रैक्शन, ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 28 प्लस 32 तो 60 किलोग्राम आ गया, और उसमें भी हमारा कितना आया था, 60 किलोग्राम। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, और ये आप लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो, लेकिन उसको भी आप शॉर्ट के रूप में ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, ताकि आपके एग्ज़ाम में टाइम की बचत हो सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, हमारा 10 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी इस औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों का औसत आयु क्या होगी, 5 नए विद्यार्थी की औसत आयु पूछा है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, 10 छात्रों का औसत वजन कितना दे दिया इन्होंने, 20 वर्ष जो कि इन्होंने दे रखा है, तो कुल आयु कितनी हो जाएंगी, 20 इंटू 10, तो कितनी हो गई दोस्तों, 200 वर्ष। ये तो टोटल 10 छात्रों की टोटल आयु कितनी आ गई, 200। अब इन्होंने बोला 5 नए छात्र आ जाने से, तो कितने हो गए, पहले 10 थे, 5 आ गए, तो कितने हो गए, 15 हो गए, 15 छात्रों की तो औसत आयु कितनी होगी, 1 बढ़ जाती है। इन्होंने दिया था क्वेश्चन में हमको, ये यहाँ पे लिखा था 1 वर्ष की वृद्धि होती है, ये वाला दोस्तों, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 5 नए विद्यार्थी होगा, तो वही मैं बता रहा हूँ, ये है। हाँ एक सेकंड दोस्तों, हाँ चलिए, 15 नए छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, 20 था, एक और बढ़ गया, कितना हो गया, 21 वर्ष। तो कुल आयु कितनी होगी, 21 इंटू 15 कितने हो गए, 315 हो गए। तो नए छात्रों की आयु कितनी हो जाएगी, 315 में से ये 15 की थी, और 200 कितनी थी, 10 लोगों की, तो 315 में से 200 को लेस किया तो कितना आ गया हमारे, 115। ये कितनों की हो गई, 5 जो नए आए उनकी कुल आयु है, क्या है दोस्तों, ये कुल आयु है 15, 5 जो नए दोस्त आए उनकी, जो 5 नए छात्र आए उनकी कुल आयु कितनी होगी हमारे पास, 115 वर्ष। तो एक आयु, एक की औसत आयु क्या होगी, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो वही किया है दोस्तों, ये 115 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 23 आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी दी है इन्होंने, क्या है, नया औसत की पहले वाला औसत, उसमें कुल व्यक्ति, वही औसत वृद्धि कितनी हुई है और नए व्यक्ति कितने आए, तो हमारा पहले औसत कितना दे रखा था, 20 का वृद्धि हुई है तो प्लस लिखेंगे, या प्लस माइनस का मतलब यही था, घटती है तो माइनस, बढ़ता है तो प्लस, तो हमारे बढ़ रहा है प्लस, 15 इंटू 1, 15 तो कुल व्यक्ति थे, औसत वृद्धि कितने हो गए, 1, और नए व्यक्ति उसमें कितने हैं, ये 5, सॉल्यूशन किया 20, वैसे वैसे 15 और 1 को गुणा किया, 15 5 से डिवाइड किया, कितने आगे, 3, 20 और 3 को जोड़ा, 23 वर्ष, और वही है 23 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अट्ठारह व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलोग्राम है, कितना है दोस्तों, 62 किलोग्राम, चलिए 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का वजन 62 किलोग्राम है के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता, एक दूसरा व्यक्ति आ जाने से उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ नए व्यक्ति का वजन कितना है, सिंपल सा क्वेश्चन सा उसी टाइप का थोड़ा सा। चलिए 18 व्यक्तियों का औसत भार कितना दे रखा हमें, नहीं वृद्धि कितनी हो रही है, 500 ग्राम, और तो कुल वृद्धि कितनी होगी, 18 व्यक्तियों के औसत भार में वृद्धि हो रही है 500 ग्राम, तो 18 व्यक्तियों के कुल भार में, ये औसत वृद्धि है तो कुल में क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो संख्याओं से, तो कितने हमारे पास व्यक्ति, 18 व्यक्ति है, और वृद्धि कितनी है 500 की, तो कितना हो गया, 18 इंटू 500 किया तो 9 किलोग्राम आ गया, ये 500 ग्राम था हमारे पास,
और ये हम किलोग्राम में बदला तो 9 किलोग्राम आ जाएगा, 9,000 ग्राम होता है। चलिए तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, 62 तो था ही था, प्लस 9 और हो गया तो 71 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 71। ये 18 व्यक्तियों को 62 किलोग्राम दे रखा था, नया व्यक्ति आने से औसत भार में कितनी होगी, सफल हो रहा है, एक आ रहा है और एक जा रहा है, तो क्या होगा, और बढ़ रहा है, तो मतलब सीधी सी बात है, अगर बढ़ रहा है तो आने वाले का भार उससे ज़्यादा ही है। जो पहले का था 62 था, ये 62 था, तो इसका आने वाले का तो ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो वही है, तो सिंपल सी वापस रिपीट करवा देता हूँ आपको मैं एक बार। इसमें होगा 18 व्यक्तियों का औसत भार 500 ग्राम वृद्धि हुई है, तो कुल वृद्धि कितनी हुई, 18 × 500, 9 किलोग्राम आ गया। तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो गया, 62, और ये 9 किलोग्राम जितनी वृद्धि हुई है वो ऐड कर दो, वो ऐड कर दो। चलिए नेक्स्ट, इसकी दूसरी, नए व्यक्ति का वजन, पहले व्यक्ति का भार प्लस कुल संख्या, इंटू औसत वृद्धि, औसत में कितनी वृद्धि हो रही है। तो पहले व्यक्ति का भार कितना था हमारे पास, 62, कुल संख्या कितनी थी 18, वृद्धि कितनी होती है 500 ग्राम, तो 62 18 × 500 किया 9 ग्राम, 9 किलोग्राम, 62 × 9 किया तो 71 किलोग्राम हमारे पास आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, 15 सेबों का में से एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम है के स्थान पर दूसरा सेब रख देने से उसके औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो जाती है, तो बताओ दूसरे सेब का भार क्या है। मतलब कि 15 सेब ही है, अभी भी 15 ही है, हुआ क्या है, एक सेब को रखा, एक सेब को निकाला है, और इस क्रिया से क्या हुआ, कमी हुई है। तो कमी हुआ है तो सीधा सा हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि क्या हुआ उसमें, कि जो आने वाली सेब है उसका भार कहीं ना कहीं कम था, तब जाके उसके अंदर औसत में भी कमी आई है। चलिए तो हुआ क्या है, 15 सेबों का औसत भार कित में कमी कितनी आई है, 10 ग्राम, तो कुल कमी कितनी होगी, तो कुल कमी कितनी होगी दोस्तों हमारे पास, 15 × 10 ग्राम किया तो कितना हो गया, 150 ग्राम की कमी आई है। और दूसरे सेब जो गया उसका भार कितना था, 250, और कमी कितनी आई है 150 की, तो ये कितना का होगा, 100 ग्राम। मतलब जो आया है हमारे पास अब रखा है वो 250 ग्राम के सेब की जगह 100 ग्राम का सेब रखे। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, पुराना भार माइनस कमी हुई था माइनस इंटू कोष्टक में कुल संख्या इंटू औसत में कमी, फॉर्मूला वही है दोस्तों, बस यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा था, वो माइनस हो जाएगा उसकी जगह भी, अब उस समय प्लस था इधर माइनस हो जाएगा। तो कुल संख्या पुराना भार कितना है हमारे पास, जो 250 माइनस का माइनस कुल संख्या कितनी थी, 15 की 15 ही हो रही है, औसत में कमी कितनी होगी 10 की, इसको सॉल्यूशन किया था हमारे पास 100 ग्राम आ गया दोस्तों। ये और ये, जो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये वाला जो ट्रिक दे रखी है और ये ट्रिक और ये ट्रिक, ये तीनों एक ही ट्रिक है, तीनों एक ही ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट, 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी, कितनी थी दोस्तों 35 वर्ष। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था की मृत्यु हो जाती है तो 35 वर्ष, तो बताओ मुखिया की आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व थी और अब एक मुखिया की मृत्यु भी हो जाने से भी आज भी 5 साल बाद में भी उसकी आयु औसत आयु है जो 35 वर्ष ही हो रही है, जबकि एक बड़ा व्यक्ति मुखिया चला गया, तो क्या हुआ इसमें वो हम देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी 35 वर्ष, तो कुल आयु उस समय कितनी थी 35 × 5 यानी कि 175 वर्ष, तो सभी की आयु कितनी थी 175 + 25 = 200। तो मुखिया के मरने के बाद हाँ दोस्त, तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि जो ये 35 × 5 इन्होंने अलग और किए, ये 175 + 25, 175 + 25 की ये 25 वो चीज़ है जो इन्होंने 5 वर्ष की 5 सदस्यों की पूर्व की आई है, तो आज की ज्ञात करने के लिए 5 सदस्यों की 5 वर्ष बाद, तो
तो 5 × 5 की 25, तो ये 25 और ऐड किया। इसके साथ ही अपन दोस्तों ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 35 वर्ष है, जो 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष बाद यानी कि आज की डेट में उनकी कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष औसत। तो 40 × 5 करेंगे तो डायरेक्ट 200 ही भी निकाल सकते हैं। तो मतलब इनकी कितनी आई थी, 200, किनकी, मुखिया सहित आज उनकी होनी चाहिए कुल आयु 200, लेकिन है कितनी, आज भी 35 है। तो कितनों को मिला के 4, तो 35 × 4 करेंगे कितने हो गए 140 वर्ष। तो मुखिया की आयु कितनी हो जाएंगे हमारे पास, 200 − 140 यानी कि 60 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 वर्ष हो जाएगा।